और इस बीच आपको बता दें, बिहार हिंसा को लेकर वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं, जब भी आए हैं या जो भी जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के रूप नहीं, कभी नहीं, हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं और कहीं से नहीं, सरकार की तरफ से होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आश्रित कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई ना कोई घचपच किया है इधर पर, तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या है कर रहा है। वो आएंगे तो जरूर इस मुद्दे पर कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ा है बिहार का, नहीं नहीं लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचे लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है, आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं है, तो कुछ भी गड़बड़ किया है तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको, और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बढ़िया चीज आप रख लिखिएगा तो छपेगा कोई बात नहीं, आप लोगों का कोई चीज नहीं है, करिएगा कि आजकल ऐसा ना हो गया है जिस तरह से बढ़िया चीज नहीं उल्टे पुलटा चीज कर, वो सब छोड़िए ना, वो सब तो आपस की सुन, अरे ये सब तो हम लोगों की आपस की बातचीत है, बाकी जो कितनों बढ़िया लिखिएगा थोड़ी चलेगा, उधर से उधर चलता है, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि पूरे तौर पर एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है और सारे अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि पूरे तौर पर देखो। तो सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं बिहार हिंसा को लेकर, बिहार हिंसा पर बोले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रवियों पर सख्त एक्शन होगा, जो एक जवाब होता है नपातुला वो जवाब दिया, सख्त एक्शन होगा और जरूर किसी ने कुछ गड़बड़ किया है, नीतीश कुमार का ये कहना है, साफ तौर पर खुलकर बोलने से बचते रहे, लेकिन स्टेटमेंट आया है बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी ने कुछ गड़बड़ी की है तभी ये हुआ है, बिहार में कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, ये दावा है, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कहते हैं हम आश्वस्त करते हैं सरकार पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन लगातार दो दिनों से जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं, उपद्रव हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगजनी की और पलायन की, वो सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सरकार वोट के खातिर तुष्टिकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा कर रही है, अभी तो मैं समझता हूं कट्टरपंथी भी इनके सामने इनके व्यवहार के कारण उनका सर झुक गया होगा, बौना पड़ गया। नालंदा जैसे जगह में अगर बर्बरता हो, सासाराम जैसे जगह में बर्बरता हो और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देखते रहे क्योंकि पापी वोट का सवाल है, पापी पेट का सवाल हम लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है। अमित शाह बहाना है, उनको रोकना है कि वहां का माहौल खराब है, अमित शाह को किसी तरह से सासाराम की धरती पर ना पहुंचे, इसके लिए अगर अमित शाह के फॉलोवर टोपी पहन लेते और अमित शाह का नाम होता मोहम्मद इदरीस तो आज ये प्रोग्राम नहीं रुकता। तो आरोप प्रत्यारोप, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन दल क्या कुछ कह रहा है सब आमने सामने है, मुख्यमंत्री ने भी स्टेटमेंट दे दिया। अब सीधा आपको हम लिए चलते हैं बिहार, रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, देश की जनता भी सुन रही है, बिहारवासी भी सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अगर सब कंट्रोल में होता तो ये नौबत ही नहीं आती, किस तरह से अभी अपडेट है, क्या इलाके में शांति का माहौल है, पुलिस की तरफ से अब तक क्या एक्शन लिया गया है ये भी बता दीजिए।
देखिए आशुतोष, बड़ी चौंकाने वाली बात है। बिहार के दो शहरों में पिछले दो दिनों से धारा 144 लगी हुई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, घबराने की कोई बात नहीं है और सुशासन है और कानून व्यवस्था भी सब कुछ ठीक ठाक है। और इसी 144 के चलते सासाराम में गृह मंत्री का दौरा भी रद्द हो जाता है। तो ये अपने आप में समझने की बात है कि बिहार में हालात इस वक्त कैसे हैं, खासकर इन दो शहरों में सासाराम और नालंदा, जहां 144 लगी होने के कारण अमित शाह का दौरा रद्द हो जा रहा है। फिर भी नीतीश कुमार ये मानने को तैयार नहीं है कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है या कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई गड़बड़ी की होगी, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर जो है जमकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन पिछले दो दिनों में जिस तरीके से सासाराम और बिहार शरीफ में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है, दो गुटों के बीच में हिंसा देखने को मिली है, दर्जनों घरों में आग लगाया गया है, इन दोनों इलाकों शहरों में गाड़ियां फूंकी गई हैं, फायरिंग की गई है, तीन लोगों को गोली नालंदा में जो है वो लगी है, दर्जनों गाड़ियां घरों को फूंक दिया गया है, सासाराम में पलायन की स्थिति बनी हुई है, इसके बावजूद भी अगर सरकार के मुखिया अगर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है तो ये बड़ा हैरानी और परेशान करने वाली बात जरूर लगती है। हालांकि इस पूरे दोनों घटनाएं घटी हैं उनमें अब कार्रवाई हो रही है, 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है बिहार शरीफ में, 18 उपद्रवियों को सासाराम से भी गिरफ्तार किया गया है, दो FIR दोनों जगह जो है वो दायर किया गया है, लेकिन अभी भी फिलहाल इन दोनों शहरों में धारा 144 लगी हुई है।